जो जाग गया वही बुद्ध है। जागने से तात्पर्य है सत्य तत्व को प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो जाना, यही जागृत अवस्था है। हम उनसे अपने जीवन में अनेक गुण सीख सकते हैं। उनके उपदेश हमारे जीवन को सुखमय बनाने का रास्ता दिखाते हैं। आंधी आती है जाती है, कोई हिमालय उससे डिगता नहीं, पर तुम्हारे भीतर हिमालय की शांत संयत दशा होनी चाहिए। हिमालय एक प्रतीक है, अर्थ केवल इतना है कि तुम जब भीतर अडिग हो, जब तुम ऐसे स्थिर हो जैसे शैल शिखर, तब आंधी आती है चली जाती है, तुम वैसे ही खड़े रहते हो जैसे पहले थे, तब तो ऐसा होगा कि आंधी तुम्हें और स्वच्छ कर जाएगी, तुम्हारी धूल झंकार झाड़ जाएगी, तुम्हें और नया कर जाएगी। केवल मांस खाने से ही आदमी अपवित्र नहीं होता, बल्कि क्रोध अर्थात गुस्सा, व्यभिचार, छल कपट, ईर्ष्या, आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा आदि से भी व्यक्ति अपवित्र होता है। अतः सच्ची पवित्रता वही है जिसमें ये दुर्गुण ना हो। व्यक्ति पवित्र तभी हो सकता है जब वह भ्रम से मुक्त हो। यदि दुखों से दूर रहना है तो पवित्र जीवन बिताओ। किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि ऐसा सदियों से होता आया है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोग या विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। किसी भी बात को अपनी अनुभूति से परखने के बाद ही स्वीकार करो। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही वह अपनी गति है, इसलिए तुम अपने आप को संयम में रखो। जैसे घुड़सवार अपने सधे हुए घोड़े को अपने वश में रखता है, ब्राह्मण ना तो जटा से होता है, ना गोत्र से और ना जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। कमल के पत्ते पर जिस तरह पानी अलिप्त रहता है, या आरे की नोक पर सरसों का दाना, उसी तरह जो आदमी भोगों से अलिप्त रहता है उसी को मैं ब्राह्मण मानता हूं। जैसे ग्वाला लाठी से गायों को चारागाह में हांक कर ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु हांक कर ले जाते हैं। जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। सद्धर्म को न जानने वाले मूर्ख व्यक्तियों के लिए संसार का चक्र लंबा हो जाता है। जैसे ताजा दूध शीघ्र नहीं जमता, उसी तरह किया गया पाप कर्म शीघ्र अपना फल नहीं दिखाता, बल्कि राख से ढकी आग की तरह जलता हुआ वह मूर्ख का पीछा करता है। मनुष्य जन्म से ही ना तो मस्तक पर तिलक लगाकर आता है और ना ही यज्ञोपति धारण करके। सत्कार्य करें वह द्विज है, और जो कुकर्म करता है वह नीच। पानी में यदि गंदगी हो तो मनुष्य उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता। इसी प्रकार जिसका चित्त आलस्य से पूर्ण होता है वह अपना हित नहीं समझ सकता, तो दूसरों का हित भला क्या समझेगा। किसान धरती में बीज तभी बोता है जब उसमें धरती की शक्ति पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा ही शक्तिशाली बल है, श्रद्धा ही पाप को धोती है। धर्म की उत्पत्ति का कारण श्रद्धा है, अतः उसे अंकुरित करो। अब तुम श्रद्धा से सज्जित होकर शील की रक्षा करो। अधिक धन संपन्न होने पर भी जो असंतुष्ट रहता है वह सदा निर्धन है। धन से रहित होने पर भी जो संतुष्ट है वह सदा धनी है। ना तो आयु प्रमाण है ना वंश, संसार में कोई भी कहीं भी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के बर्तन सभी टूट जाने वाले हैं, ऐसे ही प्राणियों का जीवन है। हर इंसान अपने स्वास्थ्य और बीमारी का लेखक है। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो।
हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। शक की आदत से भया वह कुछ भी नहीं है, शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं, वे अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता हैं। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है वह हमारे ही किए का फल है। धर्म को सब जानते हैं पर उस तक वास्तव में पहुंचने के लिए प्रयत्न नहीं करते, उसके लिए कष्ट नहीं उठाना चाहते। उन्हें लगता है सब कुछ आसानी से बैठे बिठाए मिल जाए। इसलिए अगर तुम वास्तव में धर्म का पालन करना चाहते हो तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करो, फिर उस दिशा में चलने की कोशिश करो। संसार में जितने दुख हैं सब अस्थाई हैं, वे हमारी मूर्खता के कारण पैदा होते हैं। जब तक हमें उनकी असलियत नहीं मालूम हो जाती तभी तक वे हमारे काबू से बाहर रहते हैं। कटु स्मृतियों या घटनाओं को बार बार याद करते हैं वह मन को दुखी रखते हैं। यदि याद ही करना है तो अतीत की अच्छी मधुर बातों को याद करिए, वे प्रेरणा देती है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हमारे जीवन में स्वार्थ के भाव ना हो। जीवन में सत्य और शांति आने से ही सच्चा सुख मिलता है। सत्य ही सबको अशुभ से मुक्त कर सकता है। इस संसार में सत्य के अलावा कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं। हमेशा सत्य पर आस्था रखो और उसे जीवन में उतारो। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। अभिलाषा सभी दुखों का मूल है। घृणा घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूरज चंद्रमा और सत्य। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें,
वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है। भोग की अति से चेतना के चीथड़े होकर विवेक लुप्त और संस्कार सुप्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिल दिमाग की दहलीज पर विनाश डेरा डाल देता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अति से देह दुर्बल और मनोबल कमजोर हो जाता है। मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। बैर से बैर कभी नहीं मिटता, अबैर से मैत्री से ही बैर मिटता है। मित्रता ही सनातन नियम है। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी कैसे हो सकता है। मनुष्य अपने आप ही अच्छी तरह से अपना दमन करके दुर्लभ स्वामित्व को, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तृष्णा की नदियां मनुष्य को बहुत प्यारी और मनोहर लगती हैं। जो इनमें नहाकर सुख खोजते हैं, उन्हें बार बार जन्म मरण और बुढ़ापे के चक्कर में पड़ना पड़ता है।